हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं कक्षा 10वीं का मई मासिक परीक्षा देने वाले हैं, यानी कि आप लोग 27 मई को आप लोग संस्कृत का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपके लिए 100% एकदम वायरल पेपर होने वाला है और आपका परीक्षा में यही आपका क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपका जो समय जो रहेगा आपका 1.5 घंटे का रहेगा प्यारे बच्चों, और पूर्णांक जो रहेगा आपका 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा क्लास 9th में भी आप लोग इसी चैनल के माध्यम से देखे होंगे और सभी प्रश्न आपको मिलता भी होगा। ठीक है, उम्मीद है कि सभी को पता भी होगा। तो कैसे पेपर को डाउनलोड करना, कहाँ से करना, कैसे करना, सब कुछ इस क्लास में बताएंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको 30 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपका 25 क्वेश्चन का ही जवाब देना होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन जान लेते हैं। एग्जाम से पहले सभी क्वेश्चन को तैयारी बढ़िया कर लीजिए, ताकि आपका स्कूल में कोई दिक्कत आपका एग्जाम देने में ना हो प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि व्याघ्र पथिका कथा शीर्षक पाठ जो है ना, किस ग्रंथ से संकलित है बाबू, यानी किस ग्रंथ से लिया गया है? तो हितोपदेश, यानी कि हितोपदेश से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, मंदाकिनी वर्णम शीर्षक पाठ वाल्मीकि रामायण के किस कांड में, किस कांड से संकलित है बाबू? तो याद रखिएगा जो है ना, अयोध्या कांड से संकलित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा सर? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी कि चित्रकूट किस नदी के किनारे अवस्थित? चित्रकूट जो है ना वो आपका मंदाकिनी नदी के किनारे है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास के किस ग्रंथ से, ग्रंथ है में भी वर्णित है? किसमें है बाबू? तो चौथा का जो राइट जो आंसर होगा यानी कि रघुवंशनम में हो जाएगा, रघुवंशनम। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हितोपदेश के रचयिता कौन है? हितोपदेश जो पाठ है ना, उसका रचना जो है ना आपका नारायण पंडित जी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दुष्परिणाम चित्रण किस पाठ में मिलता है बाबू? तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो व्याघ्र पथिका कथा से मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, राम मंदाकिनी नदी किसे दिखा रहे हैं? राम मंदाकिनी नदी जो है ना किसे दिखा रहे हैं बाबू? तो याद रखिएगा सीता को। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, विशाल यानी कि विशालाक्षी उपाधि किसे दी गई है? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सीता को हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोने का कंगन लेकर कौन बैठा था बाबू? सोने का जो कंगन है ना वो वृद्ध व्याघ्र लेकर बैठा था। ऑप्शन नंबर क्या होगा पर? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि कौंतेय उपाधि से किसे संबोधित किया गया है? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अर्जुन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू? अर्जुन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज्ञान भारा क्रिया बिना किस पाठ की यानी कि किस उक्ति है? पाठ की उक्ति जो है ना किसका है बाबू? तो याद रखिएगा यहाँ पर व्याघ्र प्रतीक कथा का है, कथा का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कीचड़ में कौन गिर गया? देखिए कीचड़ में जो है ना वो आपका पथिक गिर गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वामी बिरजानंद किसे यानी किसके गुरु थे? स्वामी बिरजानंद जो है ना वो किसके गुरु थे बाबू? तो याद रखिएगा ये दयानंद जी के थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था स्वामी दयानंद जी का जन्म? तो याद रखिएगा यानी कि कंटारा ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करमवीर कथा कौन, करमवीर जो है ना वो कौन था? तो करमवीर जो एक था वो राम परवेश राम था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या था? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वागीशा का संधि विच्छेद क्या होगा? वागीश जो है ना उसका संधि विच्छेद यानी कि संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? वाक जोड़ ईश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, रीनी संख्यावाची शब्द किस लिंग का है बाबू? तो यहाँ पर याद रखिएगा 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, महत्व पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ बाबू? किसका हुआ प्रत्यय प्रयोग? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्वा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, लंबोदर किस समास का उदाहरण बाबू? लंबोदर यानी कि क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तदा अह यानी कि गृह गच्छामि वाक में रेखांकित पद क्या है? तो इसमें जो हो जाएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अव्यव। ठीक है, क्या हो जाएगा? अव्यव बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पंथाना शब्द किस विभक्ति का है? पंथाना जो है ना वो किस विभक्ति का है? तो प्रथमा विभक्ति का है। क्या है? प्रथमा विभक्ति। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
यहाँ पर जो ना 22 है, यहाँ पर 23 नंबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिगंबर में किसका संधि का प्रयोग हुआ है। दिगंबर में जो है किस संधि का प्रयोग हुआ, तो आपका व्यंजन संधि का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, आपको पेपर जो है ना कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे पेपर को डाउनलोड करना है, तो आइए आपको सिखाते हैं। सबसे पहले अपने फोन में क्या करना, गूगल को ओपन करना बाबू। ठीक है, इसको इस पर क्या करना आपको, सर्च क्या करना आपको, जस्ट वेल एजुकेशन सर्च करना। ठीक है, क्या करना आप लोग को, जस्ट वेल एजुकेशन। जैसे ही जस्ट वेल एजुकेशन सर्च करता है, आपको नीचे आ जाना, नीचे आने का देखिएगा पहला लिंक भी मिलेगा आपको, और नीचे आइएगा तो दूसरा लिंक भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आकर जरूर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वो पहला लिंक हुआ, ये आपका दूसरा लिंक हुआ। ठीक है, तो दोनों पर जरूर आप लोग आकर देख लीजिएगा। तो चलिए पहला वाला लिंक पर ही आपको खोल कर दिखा देते हैं। ठीक है, अगर पहला से डाउनलोड नहीं होगा तो दूसरा पर जरूर आपको जाकर देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट लिखा गया। ठीक है, या क्लास 10th क्या है, ऑल सब्जेक्ट या आंसर की। ठीक है, तो क्लास 10th वाला ऑल सब्जेक्ट पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर जो है आपका क्लास 10th माई मंथली एग्जाम ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, इसी वाले लिंक पर क्लिक करना है। ऊपर संस्कृत का भी दिया गया। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी वहाँ से देख सकते हैं, या तो ऑल सब्जेक्ट पर क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ से ये दिखेगा कि सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जैसे ही नीचे आना, देखिए सब कुछ एग्जाम से रिलेटेड सबको बताया गया है। यहाँ पर देखिए संस्कृत का पेपर है, तो संस्कृत वाला पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो संस्कृत का खुल कर आ जाएगा 27 मई संस्कृत मासिक परीक्षा 2024। ठीक है, चलिए आपको नीचे आ जाना है। नीचे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर की अपडेट हो जाएगा, एग्जाम से पहले पहले सब कुछ यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव का यहाँ पर देखना तो थोड़ा सा इंतजार करना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दिया गया टेलीग्राम, और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, पीताम्बर किस समास का उदाहरण, तभी बताया पीताम्बर जो है ना वो आपका क्या होगा, बहुवी समास का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर, किस समास का अन्य पद प्रधान हो जाती है, किस समास के अन्य पद जो है ना क्या होता है, प्रधान हो जाते थे, याद रखिएगा बहुव्रीहि समास का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महानता पद किस प्रत्यय का प्रयोग, देखिए महानता पद में जो है ना किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ, तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो तल प्रत्यय का हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विशाल प्लस अच्छी संधि क्या होगी, विशाल प्लस अच्छी जो संधि है ना वो आपका क्या होगा, तो बी यानी कि विशाल सी होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रवेग का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रवेग का संधि विच्छेद क्या होगा बाबू, तो याद रखिए पाक जोड़ एव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वही यानी कि उपपद के योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ। ठीक है, उपपद में उपपद के क्या हुआ, विभक्ति का प्रयोग हुआ, क्या हुआ बाबू, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी पंचमी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दातव्यम पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ, तो इसमें जो है ना आपका तत्व यानी कि तत्व्यते का प्रयोग हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अन्वयव, ठीक है, अन्वय पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ, तो इसमें 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अनु का, अब यहाँ पर देखिए आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आता है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं बाबू, आप लोग देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।